हेलो एवरीवन। तो आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, जो कि हर बार होता था। इनकी ब्लॉग में यूजुअली जो भी है वो होम से रिलेटेड या खाना बनाने से रिलेटेड, नए नए डिश से रिलेटेड ये ब्लॉग यूजुअली बनाती हैं, बट आज थोड़ा डिफरेंट है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मंजुलाज होम एंड किचन ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग एक हाईवे पर जा रहे हैं, तो ज़रूर आपके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा होगी कि ये थोड़ा अलग हटके ये ब्लॉग क्यों है। तो हाँ, ये थोड़ा अलग हटके ब्लॉग बना रहे हैं। ये हम लोग अपने गांव की तरफ आज जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम अचानक आ पड़ा है उसके कारण। तो ये रास्ते में आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये बाढ़ की पानी जो है वो सड़क पे आ गया है, रोड भी काफ़ी ये डाइवर्सन बन रहा है, ये नया एक पुल बन रहा है, लेकिन चूँकि पानी आ जाने के कारण अभी काम जो है थोड़ा रुका हुआ है और बंद भी है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो बाढ़ का पानी है वो करीब करीब सड़क पे आ चुका है, तो गाड़ियां भी बहुत सावधानी से और धीरे धीरे निकल रही है यहाँ पे। और इसी में आप देखिए देखिए कैसा पानी जो है करीब करीब पुल को बिल्कुल टच कर रहा है, और इसी में आपको बच्चे जो हैं मस्ती करने का कोई भी वक्त ये लोग जाया नहीं करते हैं, मस्ती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आप देखेंगे इस बरसात में भी, इस पानी में भी, और हल्की हल्की बारिश हो भी रही है अभी, तो काफ़ी अच्छा और सुहाना मौसम है। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सुहाना मौसम है, हल्की हल्की बरसात, और इसमें एक साथ पूरे परिवार का घूमने का प्लान आप कह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यूजुअली ऐसा समय मिल नहीं पाता है आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में, हर आदमी परेशान है। तो देखिए ये कितना ज़्यादा, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पूरा पानी से भरा पड़ा है, और इसमें काफ़ी किसान लोगों को भी काफ़ी क्षति हुई है, जो कि इधर सब्जी की खेती इधर अच्छी होती है, ख़ास करके आलू की। तो ये देखिए फसल, बहुत सारे फसल जो हैं आप देखेंगे कि बर्बाद हो चुके हैं पानी के चलते, लेकिन चलिए हर चीज़ का एक अपना मज़ा है, एक टाइम है। तो दिनों के बाद, गर्मी के बाद हर आदमी को रहता है मानसून का इंतज़ार कि बारिश आए, गर्मी से उमस से थोड़ा आराम मिले, तो इसका भी एक ब्राइटर साइड है ये। और ये देखिए अब हम NH पे आ चुके हैं, नेशनल हाईवे पे। बड़ा सावधानी से यहाँ पे ड्राइव करना पड़ रहा है थोड़ा, क्योंकि रास्ते में जहाँ जहाँ कहीं कहीं डाइवर्सन भी हैं, बहुत जगह वन वे भी किया हुआ है। और ये देखिए यहाँ फिर एक डाइवर्सन है। डाइवर्सन पे खास करके अभी के समय में जो है बहुत मुश्किल होती है गाड़ी ड्राइव करने में, स्पेशली वहाँ पर स्किड करते हैं, स्लिप करते हैं गाड़ियाँ, कई जगह जैम भी लगा रहता है। तो आप ब्लॉग का मज़ा लीजिए धीरे धीरे, तब तक थोड़ा मैं कंसंट्रेट होकर ड्राइव करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा जाम लग गया है जिस कारण से थोड़ा रुकना पड़ रहा है। तो आज दो दिन पहले ही अचानक से एक प्रोग्राम बना, क्योंकि गांव जाना भी काफ़ी ज़रूरी हो गया था। हाँ, और ये देखिए ये दूर दूर तक हरियाली, काफ़ी हरियाली, और कैनाल में ये आप देख सकते हैं पूरे कैनाल में पानी भरी है, जिसको कि नहर भी कह सकते हैं। सिंचाई की सुविधा हमारे गांव में काफ़ी अच्छी, और आप सड़कें देखेंगे तो इतनी अच्छी सड़कें हैं, देखिए बिल्कुल दोनों तरफ हरियाली, हल्का पानी, ये एक प्रकृति का एक दूसरा रूप ही आप कह सकते हैं इसको। बहुत बहुत आनंद आता है, मैं तो जब भी इधर आता हूँ खास करके इसको बहुत अच्छा लगता है, इधर इधर का आना, मौसम भी ऐसा हो, अगर हल्की हल्की बरसात हो रही है दोनों तरफ, आप देखिए कितनी अच्छी सड़कें, जो भी हो अभी के सरकार में जो भी हो, सड़कें का जाल इतना अच्छा बना है, आप देखिए कितनी कितनी अच्छी सड़कें हैं, दोनों तरफ हरियाली।
तो आप इंजॉय कीजिए रहे। कई जगह यहाँ पे सड़कें जो हैं बाढ़ के पानी में बह गई हैं, तो टूटी हुई सड़कें भी हैं कुछ जगह। और आप देखिए अभी हम लोग थोड़ा एक लाइन होटल है, आप कह सकते हैं ढाबा टाइप का, वहाँ हम लोग रुके हैं। और यहाँ काफ़ी फेमस है यहाँ, क्योंकि यहाँ मिट्टी के घड़े में, जिसको आप कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन में, यहाँ चाय बना के दिया जाता है। और मिट्टी का ये जो कुल्हड़ जिसको बोलते हैं, उस पे ही सर्व करते हैं। और काफ़ी इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। यूनो देखिए देखिए ये कैसे बना रहे हैं, यही है मिट्टी का घड़ा, इसमें ये बनाते हैं। और इसकी जो खुशबू होती है, इसका जो टेस्ट होता है, एरोमा होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट। आप यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना अच्छा होता है। सोनी सोनी सी बिल्कुल इसकी टेस्ट होती है, इसकी महक होती है। और ये देखिए हमारे बिहार का सबसे ट्रेडिशनल लिट्टी चोखा, ट्रेडिशनल है ये। इस ढाबे, ये ढाबा काफ़ी फेमस है यहाँ पे। आप देखिए कितने मिट्टी के कुल्हर रखे पड़े हैं। और इधर आपको जितने भी लाइन होटल या ढाबे मिलेंगे, यहाँ की सबसे फेमस है ये कुल्हड़ वाली चाय। और खास करके इसको जो बनाया भी जाता है, ये मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है, तो इसका टेस्ट आप घर में कितना भी अच्छा चाय पत्ती ले आओ, कितना भी दूध डाल दो, बट वो चाय का टेस्ट आपको मिल ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल डिफरेंट। और ये देखिए यही है, ये तो धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है कुल्हड़ कल्चर, बट कुल्हड़ को देखिए आप कितना अच्छा, कितना साफ, ये कितनी हाइजीनिक भी होती हैं, काफ़ी अच्छा तरीका है। देखिए और ये देखिए अब हमारा चाय बनके रेडी है, ये ला के यहाँ सर्व कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा प्याला मिट्टी में दिया हुआ, चाय की खुशबू आपको मैं अभी दूर से ही फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं अपने गांव, और जस्ट मैं अभी स्नान की हूँ और सोचा कि चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आने से। और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है गांव आने से कि है ना, यहाँ का है ना मौसम, यहाँ की हरियाली देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ एक बैग आना पड़ा क्योंकि यहाँ पूजा था, तो इसीलिए मैंने आप लोग को बताया नहीं और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग बताइएगा जरूर। और यहाँ अभी मैं जाऊंगी थोड़ा देर में पूजा के लिए, तो उसके आगे का भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी और आज क्या क्या तैयारी होती है उसके। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ है ना सभी लोगों से मिलना जुलना काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ बहुत पुराने पुराने लोग रहते हैं जिससे मिलने में और बातें करने में है ना शहर का बात ही भूल जाते हैं कुछ दिनों के लिए। मैं आप लोगों से बिल्कुल, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और स्टार्ट हो जाएगा, हो सके तो लाइक कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और धीरे धीरे मैं जो यहाँ आई हूँ तो उसके बारे में भी बताऊंगी, और अगले वीडियो में चलिए इसे मैं बताऊंगी। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, बताइए बाय। तो यही मुझे कहना था आप लोग से, और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि आज बात करूँ कल बात करूँ, मगर हो ही नहीं पा रहा था। और इसके अलावा है ना हमारे वीडियो भी है ना कुछ जा नहीं पा रहे थे, तो मैं सोची नहीं अब है ना बनाना चाहिए, तो इसी कारण मैं दो दिन से मैं डाल रही हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में।